ये मेरा रिव्यू है 12 बोर पंप एक्शन शॉटगन का, जो कि इंडियन ऑर्डिनेंस ने बनाया है। इसका स्टॉक जो है, जिससे आप लोग बोलचाल की भाषा में बट बोलते हैं, वो फाइबर का है। ये जो इसका जिसमें असेंबली है, दैट ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। और ये ट्यूब और इसका बैरल, दिस इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। इस गन को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा और बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। ये 12 गेज की गन है, मतलब 12 बोर जिसको बोलते हैं। ये उसका एक खाली कारतूस है जो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखा है। और सेफ्टी के लिए इसमें ये सेफ्टी है, इसको कर देने के बाद ट्रिगर काम नहीं करेगा तो आप ना आपकी गन पंप होगी। तो सेफ्टी के लिए इसमें एक वो दिया हुआ है। ये अब आप इसको सेफ्टी रिलीज जो आपने किया तो आपकी गन जो है वो कॉक भी होगी और आपका ट्रिगर भी काम करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे कार्ट्रिज लगाते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं। ये देखिए, ये आपने कार्ट्रिज लगाया, ये खाली कार्ट्रिज में लगा रहा हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए, सॉरी, ये चूंकि आगे से ढीले पड़ गए हैं इसलिए थोड़ा सा लगाने में दिक्कत आ रही है। ये अब आपके ट्यूब में दो कार्ट्रिज लोड हो गए। वैसे इस ट्यूब में 5 कार्ट्रिज आएंगे और आप एक चैम्बर में भी लोड कर सकते हैं, तो टोटल 6, वैसे 5। ये आप जो आपने इसको नीचे किया, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, ये देखिए, ये आपने उसको नीचे किया, ये कार्ट्रिज आ गया। और ये आप ऐसे करेंगे तो कार्ट्रिज जब चेंबर में आ चुका है, ये देखिए कार्ट्रिज इस समय चेंबर में है। अब आप इस पर ट्रिगर पुल करेंगे तो खाली का ये आपका कार्ट्रिज स्पेंट हो जाएगा, बंदूक चल जाएगी और गोली चल जाएगी, आप ऐसे निकाल सकते हैं। जब दोबारा आप इसको कॉक करेंगे तो वही कार्ट्रिज दोबारा इसमें चढ़ जाएगा, फिर आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ओवरऑल मैंने ये गन यूज की है, इससे ऑलमोस्ट मैंने 25 से 30 राउंड गोलियां चलाई हैं। जो मुझे इसमें दिक्कत महसूस हुई वो ये हुई कि अगर हम इसमें शक्तिमान कार्ट्रिज या इंपोर्टेड कार्ट्रिज यूज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, एक क्लेवर शॉट है, ये इटालियन कार्ट्रिज है। ये ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको पैलेट्स दिखाई देंगे सारे, जो इसमें पैलेट्स भरे हुए हैं, जो कि व्हाट रियली मेक्स अ डबल बैंग गन यूजफुल, कि इसमें बहुत सारे पैलेट्स हैं। अगर आपका निशाना बहुत अच्छा भी नहीं है तो आप क्राउड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मिराज क्लेवर शॉट है जो मैंने आज से कुछ साल पहले लिया था। और ये हैं आपके इंडियन ऑर्डिनेंस, ये एक प्राइवेट मैन्युफैक्चरर है, शक्तिमान उनके बने हुए हैं। ये ऑलमोस्ट सेम है, ये देखिए। होम डिफेंस के लिए मेरे हिसाब से इससे बढ़िया गन कोई नहीं है। इनफैक्ट अभी तक जो मेरा इस गन के बारे में मानना है कि वेरी लाइट वेट, कॉम्पैक्ट। अगर आप इसमें इंडियन ऑर्डिनेंस के कारतूस न लगाएं, पेपर कार्ट्रिजेस न लगाएं, तो इसका फंक्शनिंग भी बहुत स्मूथ है। जैसे कि आपने देखा, इसने बिना रुके हुए दोनों कार्ट्रिज इजेक्ट कर दिए। और इस ट्यूब में आप 5 कार्ट्रिज लगा सकते हैं। हर बार आपको ट्रिगर पुल करने के बाद आपको पंप करना पड़ेगा ताकि खाली जो केसिंग है वो बाहर आए। ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत, अगर कंपेयर करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से तो बहुत अच्छा तो मैं इसे नहीं कहूंगा, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड्स पे दिस इज ओके मेरे हिसाब से। ओवरऑल आई एम रीजनेबली सेटिस्फाइड विद दिस गन। हाँ, जस्ट ये आप जो नीचे एक बटन देख रहे हैं, ये इनकेस अगर आप खाली कॉक कर रहे हैं, ये आप बटन पुल करेंगे, ये अंदर वो करेंगे, तब आपका ये चैम्बर रिलीज करेगी। कार्ट्रिज होने की स्थिति में आपको ये बटन नहीं दबाना है। ये देखिए, आप ट्रिगर पुल करेंगे फिर कार्ट्रिज चलेगा, ये जब खाली आपको पुल करेंगे तो आपको ये बटन दबा के इसको कॉक करना पड़ेगा। अदरवाइज ये गन जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से ऑइल्ड है, इसमें इसका पूरा मैकेनिज्म बहुत स्मूथ है। ओनली थिंग जो इसमें आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है, जो आप इसमें कार्ट्रिज लगाएं वो प्लास्टिक बॉडी के लगाएं, पेपर कार्ट्रिजेज इसमें न उपयोग करें, नहीं तो वो पेपर कार्ट्रिजेस इजेक्ट करते समय वो जैम करते ही करते हैं, नहीं का कोई सवाल नहीं, वो पेपर कार्ट्रिजेस जैम करते हैं। ज़्यादा पुराने कार्ट्रिजेस लगाने पर जैम करते हैं। चूंकि इस गन के साथ मेरा एक्सपीरियंस लगभग 30 राउंड बुलेट्स का है, तो ये आई एम वेरी श्योर कि ये पेपर कार्ट्रिजेस तो इसमें 100% फंसते हैं, प्लस पुराने कार्ट्रिजेस भी फंसते हैं। दिस एक बार और, ये स्टॉक, ये आपका ट्रिगर, ये आपका रिलीज वो, ये आपका पंप, ये पंप भी है और इसमें आप ये ट्यूब भी है जिसमें आप गोली वो करते हैं,
ये आपका बैरल हो गया और ये देखिए ये आपका मैकेनिज्म है जो अभी गन खाली है बिल्कुल। तो ये आपका नॉर्मली आप करेंगे तो इसमें गोली आ जाएगी चैम्बर में। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और मैं कोशिश करूँगा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान मैं मेरे पास मौजूद और बंदूकों के भी वीडियो डालूँ जो कि आप लोग देखें और लाइक करें। थैंक यू।